देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लालू प्रसाद यादव को लेकर आ रही है, जहां आज पटना में ईडी दफ्तर लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं। आज लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो रही है, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो रही है। लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी पहुंची है। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी पटना से, जहां आज आरजेडी सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से ईडी ने पूछताछ जारी कर दिया है। देखिए कल ही सरकार से बाहर हुए हैं लालू प्रसाद यादव, और सरकार हटते ही अब लालू प्रसाद यादव के ऊपर एक और संकट आ गया है। ईडी ने आज पूछताछ के लिए लालू प्रसाद यादव को राजधानी पटना के ईडी दफ्तर बुलाया है। हालांकि कई बार समन भेजा गया, लेकिन लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण अब पटना में ही उनको बुलाया गया है। और लालू प्रसाद यादव के समर्थक लालू प्रसाद यादव से पहुंचने से पहले ईडी दफ्तर के बाहर पूरी तरीके से नारेबाजी कर रहे थे, और खास करके केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश दिख रहा था। लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद यादव पहुंचे, उनके काफिला के आगे समर्थक लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाएं। और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती पहुंची। मीसा भारती ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार और ईडी पर जमकर हमला बोला। मीसा भारती कहती हैं कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है और इस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। देखिए कल ही बिहार में नया सरकार बना है एनडीए की। नीतीश कुमार नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। लेकिन आज लालू प्रसाद यादव और लालू परिवार पर एक बार फिर से संकट का दिन आ गया है। लालू प्रसाद यादव को ईडी ने कई बार समन भेजा, लेकिन आज लालू प्रसाद यादव पटना के ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले से पूछताछ होगी। लैंड फॉर जॉब मामले से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो फिर नौकरी के बदले जमीन सस्ते दर पर लालू प्रसाद यादव, और इस मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी और हेमा जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, और कल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से पूछताछ होगी। आज लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो रही है। ईडी ने कई बार समन भेजा, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव आज सदैव वहां पहुंचे हैं पटना के ईडी दफ्तर, जो बिस्कुमान भवन के पास है, वहीं पर लालू प्रसाद यादव पहुंचे। लालू प्रसाद यादव के पहुंचने से पहले ही उनके समर्थक पहुंचे और काफ़ी ज़्यादा आक्रोश लालू प्रसाद यादव के समर्थक में केंद्र सरकार के खिलाफ दिखा। लेकिन बात किया जाए बिहार की सियासत की, जो नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में थे और इस्तीफा देकर, कल रविवार को उन्होंने इस्तीफा दिया, और इस्तीफे के बाद अब एनडीए के साथ नीतीश कुमार की नई सरकार बनी है, और सरकार सत्ता जाते ही लालू प्रसाद यादव के ऊपर एक बार फिर से संकट का दिन आ गया है। लगातार एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार एक सोच पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।